ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अगली खबर पटना से, जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर इंडिया से अपना गठबंधन तोड़ चुके हैं और एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस का एक भाग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया। जबकि मुंबई में जो बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि बिना किसी का नाम आगे किए इंडिया गठबंधन काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में स्वीकार्यता दिलाई, यह पार्टी राजनीति में अछूत हो चुकी है। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।